नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आनंद प्रिया नजर्स किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो सॉस, जिससे हमें दो फायदे होंगे। एक, जब हम इसे घर में बनाएंगे तो हम इसे बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बनाएंगे, और जब टेस्ट वही मिलेगा तो फिर हम बाहर से खरीद करके पैसे बर्बाद क्यों करें। इसलिए आइए चलिए देखते हैं कि प्रिया इसे हमारे किचन में आज कैसे बना रही हैं। टोमेटो सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा किलो टमाटर, एक बड़ा कटा प्याज, 15 से 16 कली लहसुन, थोड़ा सा अदरक, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच नमक, दो बड़ा चम्मच वाइट विनेगर, एक कटोरी चीनी। हमारे टमाटर बिल्कुल लाल होने चाहिए, और वाइट विनेगर आपको मार्केट में आसानी से मिल सकता है। टमाटर को पहले हम कट कर लेंगे। कट करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें इसका हरा भाग इसमें से निकाल देना है। ऐसे ऐसे ही करके हम सारे टमाटरों को काट लेंगे। हरा भाग इसमें डालने से ठीक से बॉयल नहीं होता है, इसलिए हम हरा भाग को इसमें से निकाल लेते हैं। ये हमने सारे टमाटरों को काट लिया है। अभी हम इसमें प्याज, अदरक, लहसुन ऐड करेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी आने के बाद हमने इसे उतार लिया था और इसे ठंडा कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते समय हम इसका पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ टमाटर को डालेंगे जार में। सारे टमाटरों को डाल के हमने इसमें पीस लिया है। ये हमने यहाँ पे पानी रखा हुआ है टमाटर का, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम इसमें ही ऐड करेंगे। इसको छानने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का जाली लिया है। अगर आपके पास ऐसी जाली ना हो तो आप चाय छानने वाली छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे सारे टमाटरों को जाली में डाल लिया है। जाली के नीचे हमने एक जार रखा है। अब हम चम्मच की सहायता से इसे हल्के हल्के प्रेस करके टमाटर को छानेंगे। ऐसा करने से इसका जो खुरदुरा भाग होता है वो ऊपर ही रह जाता है। ये देखिए, हमारे टमाटर इसमें गिर रहा है। हमें टमाटर का सिर्फ सॉफ्ट भाग ही लेना है, इसका खुरदुरा भाग हम इसमें नहीं लेंगे। ये हमने जो टमाटर का पानी रखा था उसे डालकर ऐसे हम टमाटर को छान लेंगे, इसे हम फेंकेंगे नहीं। ये छनने के बाद हमारा थोड़ा सा खुरदुरा भाग बच गया है, इसको हम फेंकेंगे नहीं। इसे हम सब्जी के मसालों में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टमाटर प्यूरी तैयार है। अब हम इसका सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन गरम किया हुआ है। इस पे हम टमाटर को ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसमें एक उबाल आने देंगे। ये हमारा उबाल आ चुका है। हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि हमारे टमाटर नीचे से चिपके नहीं। अब हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे। हाई फ्लेम पे टमाटर जल सकता है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, और ये हमने जो 1 चम्मच नमक लिया था उसे ऐड कर देंगे। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा ये पानी छोड़ता है, इसलिए हम इसको फिर से उबाल आने देंगे। ये देखिए, 5 मिनट के बाद कैसे चीनी डालते ही हम इसमें पानी छोड़ दिया है। अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 बड़ा चम्मच विनेगर। मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें हमें मिर्च भी ऐड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसे धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे, इसे 5 मिनट तक ऐसे और पकाएंगे। आज को फूल बिल्कुल भी ना रखें। ये देखिए, 5 मिनट के बाद हमारा सॉस ऐसे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। अभी हम इसको चेक करने के लिए एक प्लेट लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सॉस डालेंगे और इसको ऊपर करके देखेंगे। देखिए, हमारा सॉस नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा सॉस अभी पका नहीं है, थोड़ी देर में इसे अभी और पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद हमारा सॉस और भी गाढ़ा हो गया है। अभी हम फिर से प्लेट लेंगे और इसमें थोड़ा सा सॉस डाल के देखेंगे। ये देखिए, हमारा सॉस बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा सॉस रेडी है। दोस्तों, ये सॉस एकदम मार्केट जैसी लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आप इसे चाहे तो जार में रख के फ्रिज में 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।